भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन की शुरुआत में डायमंड लीग सीरीज में 87.43 मीटर थ्रो के साथ अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया। हाल ही में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 86.47 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इस बार उनके सामने जर्मनी के ओलंपिक चैंपियन थॉमस रोहलर और विश्व चैंपियन जोनस वेटर और अंद्रियास हफमैन जैसे प्रतिद्वंदी जो सब 90 मीटर क्लब में शामिल हैं साथ में रहेंगे। वहीं चौथे स्थान पर हरियाणा के 22 वर्षीय जेवलिन थ्रोअर ने दूसरे प्रयास में 87.43 मीटर फेंक कर अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 86.48 मीटर को बेहतर किया। नीरज ने पहला राष्ट्रीय रिकॉर्ड पोलैंड में 2016 विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान किया था। यह प्रदर्शन जूनियर स्तर पर विश्व रिकॉर्ड था। नीरज ने इस दौरान पिछले साल हुई लंदन विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता चेक गणराज के जैकब वदलेचक 86.67 को पछाड़ दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज ने कहा कि वह अब 90 मीटर क्लब में शामिल होना चाहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विश्व चैंपियन जोहनस वेटर भी मानते हैं कि नीरज ऐसा कर सकते हैं। उनका तो यह कहना है कि नीरज इसी साल 88 से 90 मीटर फेंक सकते हैं। इस प्रदर्शन से नीरज ने दिखाया है कि वह और भी बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।